हेलो गाइस, तो गाइस आज हम बात करेंगे काफी सारे कमाल के अपडेट के बारे में। साथ ही साथ वीडियो के एंडिंग में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफी ज्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दी इंटरनल की सेट इमेजेस के बारे में। तो काफी जोरों शोरों से शूट चल रहा है लंदन में इस वीक, जिसमें की इंटरनल्स की सेट इमेजेस में पब्लिक ने सबसे ज्यादा मजे लिए हैं। उन्होंने काफी सारी इमेजेस क्लिक करी बिहाइंड द सीन की। अगर आपको वो सारी की सारी देखनी है तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाके फॉलो कर सकते हो और वो सारी इमेजेस देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। और आपको बता दूं कि अकीरा इसमें हमें उड़ते हुए नजर आए हैं और किर हैरिटन के कैरेक्टर से लड़ते नजर आए हैं। तो काफी कमाल का होने वाला है ये सब मूवी में। उसी के साथ आपके लिए गुड न्यूज है, कैप्टन मार्वल ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है, 2022 में ये मूवी रिलीज होगी और वांडा विजन के राइटर इस पे काम कर रहे हैं। जी हाँ, तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होने वाली है। और देन उसी के साथ हंगामा प्ले पर आ चुकी जोकर इंग्लिश में, जी हाँ आप जाके देख सकते हो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है। और हिंदी का अपडेट मैं आपको एंड में बताऊंगा। देन उसी के साथ बात करते हैं नेटफ्लिक्स की एक और अपडेट के बारे में, अल्टन कार्बन। तो ये हिंदी का सीजन 1 आ चुका है नेटफ्लिक्स पर और काफी कमाल का साइंस फिक्शन टीवी सीरीज है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हो और कुछ नया देखना चाहते हो। बैट रोबोट कंपनी ने वार्नर वर्ड्स मीडिया के साथ एक डील करी है। उन्होंने बताया कि वो डीसी के कैरेक्टर के ऊपर एक टीवी सीरीज बनाना चाहते हैं। तो ये डील कंफर्म हो चुकी है और वो देखते हैं कि कौन से कैरेक्टर पे बनाएंगे। थंडरबोल्ट्स जो कि एक विलेन की पूरी टीम है, ये एक एक करके इंट्रोडक्शन करवाई जाएगी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में। फिलहाल अभी ये रूमर है, कोई ऑफिशियल कंफर्म नहीं है, पर मेरे हिसाब से ये एक सही फैसला होगा। शी हल्क की शूटिंग स्टार्ट होने वाली जुलाई के महीने से, ऐसा एक रूमर आया है पर कोई ऑफिशियल कंफर्म नहीं है। पर मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी शी हल्क की कैरेक्टर और उसमें हल्का कैमियो होगा तो मजा आ जाएगा। अब बात करते हैं कमाल के अपडेट के बारे में जो कि टून से रिलेटेड है। आपने बेबी टून्स तो देखा होगा जिसमें कि बग्स बनी और भी काफी सारे कमाल के कैरेक्टर थे। तो उसकी लाइव एक्शन मूवी आई थी स्पेस जैम, तो उसके सेकंड पार्ट के कॉस्ट्यूम कन्फर्म हो चुके जो कि आप देख रहे हो और मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। और ये मूवी हिंदी में भी आप देख सकते हो उसका पहला पार्ट। मिशेल कन्फर्म हो चुकी है शांग-ची मूवी में जो कि उनका मदर का कैरेक्टर प्ले करेंगी। अभी ऐसा कुछ कन्फर्म नहीं हुआ मदर के कैरेक्टर वाला, पर ये गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में भी काम कर चुकी है। अब कौन सा सीन ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ब्लड शॉट का ऑफिशियल इंटरनेशनल पोस्टर लॉन्च हुआ जो कि काफी कमाल का लग रहा है और ये मूवी हिंदी तमिल तेलुगु में लॉन्च होगी, तो काफी ज्यादा एक्साइटेड इस मूवी के लिए। देन उसी के साथ जैक स्नाइडर के लिए एक सलूट बनता भाई, क्या स्क्रिप्ट लिखी थी। उन्होंने एटम को भी ऐड कर रखा था इस मूवी में। अभी हाल ही में एक सीन उन्होंने रिवील्ड करा जिसमें कि उन्होंने एटम को दिखाया है। जी हाँ, एटम एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एंटमैन की तरह छोटा बड़ा हो जाता है, जो कि डीसी का एंटमैन कह सकते हो। तो मैं तो यार सही कह रहा हूँ, अगर वो बनाते इस मूवी को तो सुपर हिट जाती। लॉक एंड द की का सेकंड सीजन भी कन्फर्म हो चुका है और नेटफ्लिक्स इसके ऊपर ऑफिशियली वर्क भी कर रहा है, तो यार बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं सरप्राइज गिफ्ट के बारे में। तो प्लूट कॉमिक ब्लैक विडो का लिंक इन डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम पर जाके डाउनलोड करो। इसमें हमें कैमियो देखने को मिलेंगे आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, बकी का और दो कैरेक्टर का और, तो आप काफी ज्यादा खुश होने वाले और ये हमें मूवी में देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं आपके मार्वल फैंस के अपडेट के बारे में। तो अगर आप एक मार्वल फैंस हो और आप एक कलेक्टेबल चीज चाहते हो सस्ते में, तो मात्र ₹575 में आपको इन्फिनिटी गॉडलाइन देखने को मिल जाएगा, खरीदने को मिल जाएगा और लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। मात्र ₹575 में ये करीब 700-800 का आता है, पर आपको इजीली ये ₹500 में मिल जाएगा। तो जाके डाउनलोड करो, अपने कलेक्शन बनाओ, ज़्यादा कोई महंगा भी नहीं है, आप आराम से खरीद भी सकते हो। तो मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, मैंने ऑर्डर भी कर दिया है, तो मैंने सोचा कि इसे वीडियो में ऐड करूं और आपको अगर चाहिए तो आप आराम से खरीद भी सकते हो। और देन गाइस अब बात करते हैं जोकर के अपडेट के बारे में। तो फाइनली इनसाइड रिपोर्ट ये है कि राइट्स के प्रॉब्लम के चक्कर में कि कौन खरीदेगा हिंदी के राइट्स, क्योंकि डब तो हो रही थी और ब्लू रे ने ऑफिशियली वेबसाइट पे कंफर्म भी कर दिया था, बट राइट्स की प्रॉब्लम के चक्कर में कि कौन खरीदेगा इस चक्कर इस मूवी को डिले कर दिया। अब हिंदी में डबिंग होगी 100% होगी और थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर जोकर मूवी हिंदी में जरूर आएगी और जैसे ही आती है मैं आपको तुरंत अपडेट देता हूँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर थैनोस उसके हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।